यहाँ मतलब कुछ लाशें मिली थी बहुत साल पहले, तो यहाँ लोग आने से डरते हैं इस जगह से आने से, बट ये है कि हम भाई हमें तो एक ही रास्ता कहीं जाने का है ही नहीं, तो इसीलिए हमें यहाँ से आना पड़ा। देखो पूरा जंगल है। मैंने पूरे रास्ते यही तो चलाते चला के चलाए लेके आई हैं, अब है। आप ठीक चलाना, मैं बहुत थक गई है, हूँ। समझ गया ना, ये झूठ नहीं बोल रही है बिल्कुल भी। तो भैया आज जो हम लोग निकल रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको बोला था मैं निकलना पड़ सकता है, तो भैया पूरी वीडियो जो है ना इसमें जो है वॉइस ओवर ही हम लोग करेंगे। तो लो भाई पेट्रोल भी जो है फुल टैंक करवा लिया है भाई, अब पापा हैं तो हमें क्या ज़रूरत है भरवाने की। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई ट्विंकल और पापा तो बैठे आगे और मैं बैठा हूँ आराम से पीछे, और ये देखो आंखें मसल रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, फिर भी बस निकलना है इनको जल्दी से जल्दी। तो भाई मैं तो आराम से गाड़ी के पीछे लेटा हूँ, देखो पैर एकदम मस्त फैला के, और ये अपना आगे बैठे हुए हैं, मैं पूरे रास्ते मज़े करूँगा। सामान देखो कितने सारे पड़े हुए हैं पीछे, पीछे वाला सामान हमने जो है ना ऐसे रखा है जैसे कि बस घर में फेंक दिया हो, और अपना चिल करते हुए। अब मुझे देखो, मैं तो भैया ये आराम से लेटा हुआ हूँ, मज़ा आ रहा है खूब ज़्यादा, थोड़ा रेस्ट पीछे वेस्ट। बैठ के यही सब कर रहे थे ये तो, हाँ मैं मज़े कर रहा और था भाई। मैं बैठी हुई थी सदमे में, ऐसा लग रहा था। देखो ना मैं पैर फैला के आराम से बैठा हुआ हूँ। भाई हम लोग तो रुक गए साइड पे हाईवे पे, और देखो क्या मस्त जबरदस्त मौसम था ना, इतना ठंडा लग रहा था, मतलब अलग ही मौसम, मज़ा आ गया। तो भैया लोग पहुंच गए हम लोग टोल टैक्स में, उससे पहले हमारे साथ एक हो गया बहुत बड़ा कांड। कांड ये था कि हम लोग फास्ट टैग तो भैया घर पे ही भूल गए थे, और फिर ये देखो भाई हाईवे के कोने में खड़े होके फास्ट टैग बनवाया मैंने, नहीं बहुत से लोग थे और भी इनको फास्ट टैग बनवाना था। तो भैया अब हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि भाई बहुत देर हो गई थी गाड़ी चलाते चलाते, तो हमने टी ब्रेक लिया क्योंकि भाई थोड़ी देर बाद मेरा भी नंबर आने वाला था गाड़ी चलाने का, तो भाई थोड़ी तो बॉडी को रेस्ट चाहिए थी। तो भाई अब जो है ना मेरी टर्न थी गाड़ी चलाने की, और हम जो है पहुंच चुके थे लखनऊ। लखनऊ की जो नाइट लाइफ है ना बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, इतनी अच्छी लाइटिंग है ना वहाँ पे कि मज़ा आ जाता है। बाकी गाड़ी का शीशा तो भाई पूरा गंदा हो चुका था। तो भाई धुंध इतनी ज़्यादा थी ना, देखो दिल्ली में पता नहीं चलता कि धुंध है या नहीं, बट आप बाहर निकलते हो ना तो भाई खतरनाक धुंध होती है। तो भाई थोड़ा और टाइम हुआ तो भाई धुंध भी हट गई और मस्त धूप आ गई, और अच्छा भी लग रहा था कि ठंड भाई बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं तो अच्छा हुआ चद्दर कम्बल जो है पतला वाला लेके गया था। तो भाई अब जो है ना गाड़ी को लग चुकी थी भूख, मतलब उसका पेट्रोल जो है ख़त्म होने वाला था, तो हम आ गए HP के पेट्रोल पंप में। और अभी अभी उठा ही है इंसान, मैंने हाँ पूरे रास्ते यही तो चलाते चला के चलाए लेके आई हैं, है। अब आप हाँ चलाना, मैं ठीक बहुत थक गई है, हूँ। समझ गया ना, ये झूठ नहीं बोल रही है बिल्कुल भी, बहुत ये थक सच्ची गई हूँ, मैं बोलती है। निकल रही हूँ, अब आप ही ठीक है चलाना। निकल जा तू। तो फिर हम चले आगे की तरफ और रुक गए, रुके इसलिए क्योंकि भाई जहाँ पे भी अच्छा व्यू आता है ना, और जब हम पर्सनल बाय रोड गाड़ी पे जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, जहाँ मर्जी रुक रुक के फ़ोटोज़ खींचने का मन करता है। और वैसे भी थोड़ा पापा को जो है ये पानी भरना था, और पानी तो हम भर भर के लेके गए थे बहुत सारा, और भाई खाने का तो फुल इंतज़ाम था, बिस्किट से लेके आपका फ्रूट्स वगैरह हर चीज़।
अब जो है ना हम लोग एक जगह पहुंचे थे, मतलब डैडी की कोई जान पहचान के थे, और गाड़ी देखो इतनी ज़्यादा गंदी होगी ना, मतलब वो तो होनी है, साइड से देख लो पूरी गंदी है और पीछे से तो बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो पूरा जो है ना ये खेत है उसका, भुट्टे का। तो भाई अब जो है ना हम जाएंगे छत पे, क्योंकि भाई टाइम तो पास करना ही है ना। तो ये देखो छत से वही भुट्टे का खेत है पूरा दिख रहा है, वो सामने रोड जहाँ से आया था पूरा का पूरा जो है ना खुला है। ये देखो बहुत ही मस्त मौसम था एक तो। और भाई तो भाई ये जो है ना किसी का बर्थडे बना होगा शायद, जो ख़त्म हो चुका है। तो भाई लो खतरनाक चीज़ भाई, पूरा खेत जहाँ हमें जाना था ना, मतलब पूरा खेत था और पूरी तरह से अंधेरा, देखो दूर दूर तक कुछ नहीं, और रास्ते ऐसे मतलब आपको पूरा ऑफ रोड, मतलब सीरियस वाला ऑफ रोड जो होता ना वो करना पड़ा, और वो भी ड्राइवर ने कर दिया। और आप ये जान नहीं सकते मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब रास्ते थे ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन निकल गए, क्योंकि पता नहीं था ना ऐसा रास्ता भी बीच में आएगा। तो अभी देखना आप, ये देखो पूरा मतलब बीच में वो हो गया था थोड़ा ब्लर, बट अब देखो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। बट हम मतलब मैं थोड़ी देर रुक गया कि यार निकालूं कैसे, फिर जो है मैंने सोचा चल यार कोई नहीं ट्राई करते हैं, निकल जाएगी गाड़ी, आगे की तरफ बढ़ाते हैं धीरे धीरे, फिर हम लोग जो है निकलते चले गए। क्योंकि रास्ता है ना वहाँ से जो है थोड़ा ज़्यादा दूर था, दूर मतलब लगभग ऐसा रास्ता जो है ना 900 मीटर से लगभग 1 किलोमीटर तक का इतना ख़राब रास्ता था। और ये देखो भाई धीरे 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 मतलब जो है ना गाड़ी, आप देख रहे हो सामने पता चल रहा होगा, क्योंकि ये कैमरे में शायद उतना ना पता चल रहा हो, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था, बहुत ज़्यादा और भयानक भी था। मतलब यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि रात जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ कोई लोग नहीं दिखते रास्ते में, पूरा घना जंगल है। और देखो जंगल के पेड़ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरा फुल एडवेंचर हो रखा था हमारा इस टाइम। मज़ा भी आ रहा था, लग रहा था भाई साइड वाइड से कोई भूत भूत वगैरह ना आ जाए, या कोई प्रेत आत्मा एकदम सामने ना आ जाए, मतलब बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा। तो भाई मज़े लिए, बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम ही लगेगा यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं भी लगा मैं लगभग अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में, यहाँ से बस 1 घंटे का रास्ता और रह चुका था, और उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने ही वाले थे। तो भाई यहीं तक जो है ना अपना सफ़र था, मतलब सफ़र तो पूरा ही था, बट जो वीडियो है ना वो यहीं तक है। और बाकी की जो वीडियो होगी ना जो नेक्स्ट डे से हम करेंगे, क्योंकि ये तो था पूरे रास्ते का वीडियो, और अभी जो नेक्स्ट डे से वीडियो करेंगे वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, और शेयर तो करना ही है। और ये देखो ये वाला पैच कितना ज़्यादा ख़तरनाक था, ये जो है ना इसको मेरे को गाड़ी को तिरछा राइट लेके फिर लेफ़्ट लेके निकालना पड़ा था, मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाला। उसके बाद देखो रोड जो है ठीक हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त रोड था उसके बाद।